नेक्स्ट एग्जांपल रिगार्डिंग कैरेक्टर और इंटीजर रिप्रेजेंटेशन। सी लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर्स की बात करें, कैरेक्टर्स हमेशा आस्की वैल्यूज के फॉर्म में स्टोर होते हैं और आस्की वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज सम इंटीजर नंबर्स। आस्की वैल्यू किसी भी नंबर का, आस्की वैल्यू कैरेक्टर का, आस्की वैल्यू कैरेक्टर टाइप्स के वेरिएबल्स में भी स्टोर करना पॉसिबल और इंटीजर टाइप्स के वेरिएबल्स में भी असाइन करना पॉसिबल हुआ। इस केस में चेक करें टोटल टू वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई। फिर एक्स या इंटीजर टाइप्स, देयरफॉर अगर एक्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो एक्स के लिए टोटल कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, इस केस में स्टैक डायग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टैक डायग्राम। एज वी नो मेमोरी के केसेस में एलोकेशन किस फॉर्म होता है, इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। एक सिंगल ब्लॉक का साइज कंसीडर करें एज अ सिंगल बाइट अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर्स और इंटीजर। जनरली वी आर यूजिंग मीन्स मोस्ट ऑफ केस में टू टू बाइट्स का एक सिंगल ब्लॉक क्रिएट करता हूँ जब इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना, लेकिन इस केस में मैं खुद से मीन्स इस केस में रियल साइज सिंगल ब्लॉक का रियल साइज क्या है वो वन बाइट, मीन्स सभी ब्लॉक का साइज क्या है एग्जैक्टली वन बाइट। अगर इसका एड्रेस 100 है तो प्रीवियस का एड्रेस क्या होगा 99, 98, 97, 96 एंड सो ऑन लाइक दैट। फर्स्ट केस में वेरिएबल एक्स क्रिएट किया है और एक्स का टाइप इंटीजर, इसलिए एक्स के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, देर आर टू बाइट्स, दिस टू बाइट्स आर रिजर्व्ड फॉर वेरिएबल एक्स। नेक्स्ट वन बाइट्स रिजर्व्ड फॉर वेरिएबल वाई, वाई का टाइप कैरेक्टर, इसलिए वाई के लिए टोटल कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, ओनली वन बाइट्स, टू बाइट फॉर एक्स, वन बाइट फॉर वाई। नेक्स्ट वन एक्स के केसेस में असाइन किया कराया है, दोनों ही केसेस में देखा जाए तो सेम वैल्यू असाइन किया है जा ए, ए के रिस्पेक्ट में एक्स में असाइन क्या हुआ, आस्की वैल्यू ऑफ ए इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्मेट। ए का आस्की वैल्यू क्या है 65, तो असाइन क्या हुआ बाइनरी नंबर ऑफ 65। एज वी नो बाइनरी नंबर ऑफ 65 इज 1 5 टाइम्स 0 1, दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 65 बिकॉज 65 इज इक्वलेंट टू 64 प्लस 1। 64 के लिए क्या राइट करेंगे 1, 1 के लिए भी क्या राइट करेंगे 1, रिमेनिंग बिट्स आर 0, इसलिए टोटल 0 कितने फ्लोर है इसके इसमें 5 टाइम्स 1 5 टाइम्स 0 इज 1। नेक्स्ट वन, लेकिन एक्स के केसेस में जब इस वैल्यू को और इन्फॉर्मेशन को असाइन कराएंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में टोटल एक्स के पास अवेलेबल बाइट्स कितने 2 बाइट्स और डेटा कितने बिट्स में 7 बिट्स में, तो पहले इसको 16 बिट्स में कन्वर्ट करें, 16 बिट्स में कन्वर्ट करने के रिस्पेक्ट में एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करा लेंगे एज 0, एक्स्ट्रा बिट्स आर पैडेड एज 0। प्रीवियस केसेस में आपको बोला था जब भी आप एक्स्ट्रा बिट्स फिल करोगे, एक्स्ट्रा बिट्स किस केस में सेम एज साइन बिट, साइन बिट तब चेक करेंगे जब एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में असाइन करो, इस केस में इनिशियली वैल्यू भी क्रिएट हो रहा है न कि असाइनमेंट, इसलिए एक्स्ट्रा बिट्स क्या ऐड कराओगे एज 0। इस केस में साइन बिट कुछ है ही नहीं तो चेक करनी नीड ही नहीं है। दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इन 16 बिट्स और 2 बाइट्स। देन इस डेटा को एक्स में असाइन करेंगे तो दिस इज द फर्स्ट बाइट, दिस इज सेकेंड बाइट। स्टैक के अंदर डेटा हमेशा बॉटम टू अप डायरेक्शन में असाइन होगा लाइक दैट। सबसे पहले फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट बाइट किस एड्रेस में असाइन होगा, लोकेशन 100, दिस इंफॉर्मेशन विल बी कॉपीड ऑन द लोकेशन 100, नेक्स्ट बाइट विल बी कॉपीड ऑन द लोकेशन 99 लाइक दैट। तो 100 के केस में एक्स के पास टोटल 2 बाइट्स हैं लेकिन साइन बिट्स कितने होंगे, ओनली 1 साइन बिट दैट 1। इसे डेटा किस बाइट में कॉपी हो रहा है 100 में, इसलिए साइन बिट किस से रिप्रेजेंट होगा 100 से और 99 से 100 से, 100 के केस में कॉपी किया रहा ऑल टाइम्स 0, दिस इज द एक्चुअल स्टैक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट बाइट के केस में क्या साइन होगा 0 1 0 0 ऑल टाइम्स 0 0। मीन्स मेमोरी के अंदर डेटा हमेशा स्टैक के फॉर्म में इस टाइप से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन डायग्राम वाइज बात करें डायग्राम्स के थ्रू इस टाइप से डेटा जनरेट करें इनिशियली। नेक्स्ट दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स और ए लाइक दैट। एक्स के केस में साइन बिट कैसे हो रहा है, साइन बिट इज 0, देयरफॉर नंबर इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। नेक्स्ट वन वाई, वाई के केसेस में भी असाइन करें, वाई के रिस्पेक्ट में भी अगेन असाइन क्या हो रहा है वाई इक्वल्स टू ऑल्सो ए, वाई के केसेस में भी ए मीन्स इक्वलेंट टू 65, तो 65 का बाइनरी नंबर राइट करेंगे जो 1 5 टाइम्स 0 1।
लेकिन इस केस में y का साइज क्या है 8 बिट्स, इसलिए डेटा 8 बिट्स में कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे एज 0। मींस नाउ दिस डेटा विल कन्वर्टेड एज 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। इसके जस्ट बाद सेम डेटा कॉपी करेंगे इन द लोकेशन y। y के केसेस में क्या आसान होगा 0100 लाइक दैट। इसके जस्ट बाद दोनों ही केस में डेटा किस फॉर्म में डिस्प्ले कराया है, परसेंट डी के थ्रू, मींस इंटीजर नंबर रिप्रेजेंटेशन। मींस परसेंट डी से जब भी किसी भी सिंबल को डिस्प्ले किया हुआ आस्की वैल्यू और इंटीजर नंबर, परसेंट सी के केस में क्या डिस्प्ले हुआ कैरेक्टर वैल्यू। मीन दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है, दोनों में से कैरेक्टर की बात करें इंटीजर, दोनों में नंबर इंटरनली किस फॉर्म में स्टोर हुआ, नंबर ऑफ सिंबल्स इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स लाइक दैट। परसेंट डी के केस में जब एक्स का वैल्यू डिस्प्ले कराया तो एक्स के इक्वेलेंट संख्या कराया गया 65, इसलिए एक्स का वैल्यू भी क्या प्रिंट हुआ ऑल्सो 65। सेम एज वाई के केस में बात करें, वाई का वैल्यू परसेंट डी से डिस्प्ले कराया गया, इसलिए परसेंट डी के केस में डिस्प्ले क्या हुआ इंटीजर नंबर रिप्रेजेंटेशन। इस केस में मिस्टेक किया है, जब सेकेंड बाइट में कॉपी करें तो लास्ट बिट वन था, इसलिए इस प्लेस पर क्या आएगा 1। सेम एज वाई के रिस्पेक्ट में लास्ट बिट वन है, इसलिए इस प्लेस पर क्या आसान होगा ऑल्सो 1। हम टाइपिंग मिस्टेक। नेक्स्ट दोनों ही केसेस में स्टोर किया लॉजिकली 65, दिस वन इज इक्वेलेंट टू 65, दिस वन इज ऑल्सो इक्वेलेंट टू 65। अगर परसेंट डी से डिस्प्ले करा देन क्या डिस्प्ले हुआ 65, अगर परसेंट सी से डिस्प्ले कराया हो तो सपोजेड सी केस में मैंने एक और एक्स्ट्रा लाइन ऐड करा लिया एज अ प्रिंट एफ परसेंट सी आफ्टर स्लैश एन, यू वांट टू डिस्प्ले इन दिस डेटा ऑन द नेक्स्ट लाइन स्लैश एन परसेंट डी सॉरी परसेंट सी अगेन परसेंट सी वैल्यू ऑफ एक्स वाई। फर्स्ट केस में एक्स वाई का वैल्यू क्या डिस्प्ले हुआ एज अ रिजल्ट 65 एंड 65। सेकेंड केस में सेम डेटा परसेंट सी के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कराया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेरिएबल कैरेक्टर है इंटीजर, डिपेंड्स अपॉन फॉर्मेट स्पेसिफाई। फॉर्मेट स्पेसिफाई अगर परसेंट सी देन इसका इक्विवेलेंट रियल में एक्स में क्या 65 और वाई में भी क्या ऑल्सो 65। इस केस में डिस्प्ले क्या हुआ इक्विवेलेंट कैरेक्टर वैल्यू, इसलिए दोनों ही केसेस में क्या डिस्प्ले हुआ ए ए। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम।